गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट पंजाबी। बेटा, कल आपां ने साहित्य किरना बुक का सैकेंड चैप्टर स्टार्ट किया सी, शब्द, जिस विच आपां की शुरू किया सी। पहला गुरु नानक देव जी का कवि परिचय किया सी, शख्सियत ते रचना बारे पढ़िया सी। अज उस शब्द जो कि आसा दे वार विचों लिया गया है पढ़ांगे, सिमल रुखू सरायरा। सिमल रुखू सरायरा अति दीर्घ अति मचियो, ओए जी आप ही आस करे जाए निराशु कितु, फल फिक्के फुल बकवके कमना आव ही पतु, मिठु तनीवी नानका गुण चंगियाईया ततु। सब तो पहला बेटा आप की करते हाँ, प्रसंग लिखते हाँ। एक आप सत्रा श्री गुरु नानक देव जी की रची बाना आसा की बार विचो लिया गई हैं, जो साड़ी पुस्तक साहित्य किरना विच सिमल रुख सरायरा शब्द हेठ दर्ज हैं। इन्हां विच गुरु जी ने की दस्या है कि नीवा रह के हो, नीवा हो के रहना, भाव निमरता नाल रहना ही सारे गुणा का सार है। सानू मतलब कि हंकार नहीं करना चाहिए, सानू इस संसार विच नीवा हो के विचर के रहना चाहिए है। व्याख्या, व्याख्या विच की कहते हैं गुरु जी, सिमल रुख सरायरा अति सीरग अति मचू, ओए जे आप ही आस करे जाए निराशु कितु। इन्हां लाइनां विच गुरु जी की कहिंदे हन, निमरता की वड्याई दसदे होए, नीवे होण की वड्याई दसदे होए सिमल रुख की उदाहरण देंदे हन। सिमल रुख सरायरा, सिमल की है, एक रुख का नाम है, उस रुख की उदाहरण देंदे होए कहिंदे हन, जो मनुख सिमल रुख की है, सिमल रुख सरायरा अति दीर्घ मति अचो। सिमल का जिहड़ा रुख हुंदा है बहुत उच्चा लम्मा हुंदा है, गुरु जी के कहते हैं बहुत उच्चा लंबा होंदा है, ओई आप जी आस करे जाए निराशु कितु। इस उत्ते की होंदा है, जो सिमल का रुख होंदा है इन्ना उच्चा होंदा है, ना तो पंछी इस उत्ते अपने आलने पाते हैं, हर कोई उत्थों आके निराश होकर वापिस पर जाता है, ना कोई इसे फुल फल खा सकता है। इसे फल की होंदे हैं, बकबके होंदे हैं, फल फिके फुल बकबके कम ना आवे पतु, इसे फल फिके होंदे हैं, फिके होंदे हैं, बकवके होंदे हैं, बेस्वादे होंदे हैं, इसे पत्ते भी किसे काम नहीं आंदे, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया ततु, ना ही इसकी छां कोई हेठ बह सकता है क्योंकि बहुत उच्चा होंदा है, इसकी छां नहीं आंदी। फिर कहते गुरु जी की कहते, यह बड़े रुख का की फायदा है, यहो जे बड़े इंसान का बड़े रुख का की फायदा है, यहो हाल हंकारी मनुख का है, उस विच आकड़ ते ओगू नहीं हुंदा है, होर कुछ नहीं हुंदा, उसनू कोई पसंद नहीं करता। इस तरह गुरु जी की कहिंदे हन, सानू नीवे होके रहना चाहिदा है, निमरता धारण करनी चाहिदी है, यही मिठास भरिया गुण है, यही सारिया चंगियाईया दा सार तत् है। सबको नीवे आप पर को आप नीवे ना कोई, तर तराजू तोलिए नीवे सौ गौरा होए, अपराधी दूना नीवे जो हंता मिर्गाही, सीस नीवाया क्या थिए जा रिदे कुसूदे जाही। प्रसंग बेटा सेम आ जाएगा, व्याख्या, व्याख्या दे विच गुरु जी की कहते हैं, हर कोई अपने मतलब लिए न्योंदा है, न्योंदा भाव चुकता है, सबको नीवे आप को पर को नीवे ना कोई, हर कोई अपने मतलब लिए नीवा हुंदा है, दूजिया की खातर कोई नहीं चुकता, कोई नीवा नहीं हुंदा। नीवा होना तो कहते सब तो वड्डा गुण है, जिव गुरु जी की कहते हैं, नीवा होना सब तो वड्डा गुण है, तर तराजू तोलिए नीवे सो गोरा होई, तराजू की होंगे तकड़ी, गुरु जी की कहते हैं जिवें तकड़ी विच कोई चीज पा के असी तोलते हाँ, जिहड़ा भारा पासा हुंदा है हमेशा नीवा हुंदा है, पर नीवा होने ते नीवर होने विच जिस विच फर्क हुंदा है, जिवें अपराधी दूना नीवे, गुरु जी की कहते हैं नीवा होना ते नीमर होना दोवां विच बहुत फर्क है। कहते जिवें कोई शिकारी हिरन दा शिकार करन लई ओ अपने शरीर नूं इन्ना ज़्यादा झुक जाता है कि अपने शरीर नूं धरती नाल ला लैंदा है, क्यों उसदे उस समय उसके अंदर की हुंदा है, हंकार भरिया हुंदा है, खोट अपराध की भावना भरी हुंदी है कि मैं उस हिरन नूं मारना है, पर उस शरीर वलियों तो नीवा हुंदा है परंतु अपने मन वलियों नीवा नहीं हुंदा। इस ते गुरु जी की कहते हैं, सीस निवाया क्या थिए जे रिदे कसूदे जाहे, कला शरीर सिर नीवा करन नाल कुछ नहीं हुंदा जे उसे मन विच कोट भरी हुई हुंदी है, गुरु जी की कहंदे हन सिर नवाउण दा की फायदा जे मन विच ही कोई विकार जां कोई खोट भरी हुई है,
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।